ज्यादा भूख ने अंजलि को उसकी गहरी नींद से जगा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से उन्हें खोला। हालांकि उसने एक अनएक्सपेक्टेड सीन देखा जिससे उसे लगभग दिल का दौरा पड़ा। अंजलि ने देखा कि अजय उसके पास ही सो रहा है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, उसकी गोल्डन लाइट रूम में भर गई। लाइट सीधे अजय की बॉडी पर रिफ्लेक्ट हो रही थी और उसका फेस ग्लो हो रहा था। अंजलि ने उसकी थिक आईब्रो, बंद आंखें, लंबी पलकें, तेज नाक, सेक्सी रोजी लिप्स देखे। वो स्वर्ग में बनी एक मूर्ति की तरह लग रहा था। उसके लिप्स को देखते हुए अंजलि खुद को कंट्रोल नहीं कर सकी और छत पर आज की घटना को याद करती है। उसका दिल भागने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने दूर जाने की कोशिश की, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बगल वाले आदमी ने आराम से उसकी कमर पकड़ रखी है और उसे जाने देने का उसका कोई इरादा नहीं है। अपने दिल में अंजलि परेशान थी। वो जल्द से जल्द उससे दूर जाना चाहती थी। उसके एक्सपीरियंस ने आज उसे फील कराया कि उसे उससे दूर होना है या एक दिन वो उससे बंध जाएगी। आज उसे जो सेंसेशन फील हुई, उसने उसकी गर्दन पर वो किया जिससे वो पागल हो गई थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। उसका दिल तेजी से इसके बारे में सोच रहा है। उसके दिल में एक वार्म फीलिंग स्प्रेड हो गई। उस समय की तरह सांस लेना भी मुश्किल था। अंजलि समझ नहीं पा रही थी क्यों एक हैंडसम रिच आदमी जैसे अजय को उसमें इंटरेस्ट होगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है। क्या वो उसके साथ खेल रहा है? लेकिन इमिजिएटली उसने थॉट को रिजेक्ट कर दिया। उसने देखा कि पिछले कुछ दिनों में वो कितना ऑनेस्ट था। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है। एक आदमी को समझने में कई साल लगते हैं। भले ही वो सोच रही थी कि वो सच में ये मानती है कि अजय दूसरे आदमियों से अलग था, वो फील करती है, इसलिए नहीं कि वो उसे रोमांटिक डेट्स पर ले गया। उसने उसे अलग तरह से सोचा क्योंकि वो हर पल उसे तब देखती थी जब वो उसके साथ होती थी। उसने देखा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी सुंदर लड़कियां उनके पास से गई हों, उसने उन्हें कभी नहीं देखा। अजय की अटेंशन हमेशा उस पर ही थी। रुको रुको, अंजलि तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम जानती हो कि यह ख्याल कहां से आया है? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं सोच सकती। उसने अपना सिर हिलाया। इस आदमी ने तुम्हारा फायदा उठाया है। हालांकि वो एक अच्छे इंसान की तरह दिखता है, लेकिन वो असल में भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया है। तुमको फिर से धोखा नहीं दिया जा सकता। अंजलि ने अपना सिर हिलाया। मुझे फिर बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। फिर अचानक उसने सोचा, लेकिन उसकी नजर नहीं। अंजलि अंदर चिल्लाई। वो सोच नहीं पा रही थी कि वो क्या फील कर रही है। वो उसकी गर्म और पैशनेट नजर याद नहीं करना चाहती थी। वो एक भूखे वुल्फ की तरह लग रहा था। वो एक राक्षस है, एक राक्षस। उस पल अंजलि ने महसूस किया कि क्यों कमला और सपना ने अजय को दानव कहा। जब भी उन दोनों ने एक दूसरे से बात की, उसने गलती से छुपकर सुन लिया और उसे अजीब लगा, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि सबने उसे धोखा दिया है। धोखेबाज और अजय, वो भी कैसे हो सकता है? अंजलि ने अपने सिर को पकड़ लिया और खुद को इस टॉपिक पर कुछ भी सोचने से रोकने का ऑर्डर दिया। जब भी उसने अजय के बारे में सोचा तो उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग हुई। ये इतना कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए उसने अपना दिल दौड़ाना बंद करने का फैसला किया। अंजलि को उसके बारे में सोचना बंद करने की जरूरत थी।
जैसे ही वो बेड पर बहुत आगे बढ़ी, अजय जाग गया। धीरे धीरे उसने उसके बगल में ब्यूटीफुल लेडी को देखा और उसके शरीर में शांति फैल गई, उसे बुरी तरह से घूरते हुए। जब अंजलि ने फील किया कि उसने अपने पास लेटे भेड़िये को जगा दिया है, तो उसका पूरा शरीर जम गया। उसके दिमाग में पहली बात आई, राक्षस जाग रहा है। वो उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी और इसलिए उसने दूसरी तरफ देखा। अजय ने देखा कि उसकी बॉडी स्टिफ थी। उसने धीरे से उसके फेस को टच और फील किया कि वो उसके टच से डर गई। उसे ये बहुत एंटरटेनिंग लगा। उसने अंजलि के फेस को घूरा और धीरे धीरे देखा कि उसका चेहरा लाल हो रहा है। अजय अंजलि को हार्ड किस करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। मुझे इसे बात के लिए बचाना चाहिए, उसने सोचा। फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? अंजलि ने अपना मुंह खोला, हालांकि वो एक भी शब्द नहीं बोल सकती थी। उसके होंठ कांपने लगे। आखिर में उसने केवल अपने सिर को पोलाइटली हिलाया। वो अपने दिल में कंप्लेन करती है, मैं कैसे भूखी नहीं हो सकती हूं? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और अब जब मैं मूव नहीं कर सकती तो ये किसकी गलती है? अंजलि को रोने जैसा फील हुआ। अजय ने देखा कि उसका एक्सप्रेशन एक सेकंड में चेंज हो गया। एक मिनट में उसके इमोशन डिफरेंट हो गए। पिटीफुल फेस, एंग्री फेस, कंप्लेन से भरा फेस, आदि आदि। वो उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। वो सच में बहुत क्यूट लग रही थी। फाइनली अजय उठा और अंजलि को एक ब्लैंकेट से कवर कर लिया। बाद में उसने कहा, यहां रहो, मैं कुछ खाना गर्म करता हूं और तुम्हारे लिए लाता हूं। जवाब में अंजलि ने सिर्फ ओबीडियंटली अपना सिर हिलाया। उसे एक छोटे बन्नी की तरह एक्ट करते देख अजय मुस्कुराया और किचन में चला गया। अंजलि ने राहत की सांस ली कि इस बार उसने कुछ नहीं किया। उसने अपने चेस्ट के बाईं ओर स्पर्श किया। उसका दिल दौड़ रहा था। अंजलि के लिए अजय से कम्युनिकेट करना मुश्किल था, जैसे वो पहले किया करती थी। इसके अलावा वो उसके लिए सेफ नहीं था। आज के बाद उसके कॉलेज जाने से पहले 3 और दिन बचे होंगे। उसे विश्वास था कि स्कूल जाने के बाद वो सेफ रहेगी, इसलिए उसे और 3 दिनों के लिए अलर्ट रहना होगा। अंजलि ने गहराई से सोचा। उसे शादी करने से पहले 6 महीने का समय मिला है। 6 महीने सच में एक लंबा समय था। जैसे ही समय खत्म होगा, शायद अजय का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। वैसे भी उसके जैसी लड़कियों के साथ कौन चिपकना चाहेगा? अपने लिए 6 महीने निकालने के लिए अंजलि ने खुद को थैंक्स कहा। सूरज ढल रहा था। इसने आकाश को वॉयलेट, पिंक और येलो कलर से पेंटेड कैनवास की तरह बनते हुए देखा। रिवर सीन आसमान की रोशनी में रिफ्लेक्ट हो रही थी। उनके कॉम्बिनेशन ने पूरे शहर को लाल रंग में रंग दिया। ये देखने में काफी खूबसूरत था। हालांकि इस तरह की ब्यूटीफुल सीनरी ने अंजलि की आंखों को नहीं पकड़ा। उसके दिमाग में केवल एक ही चीज थी कि वो 3 दिनों तक अजय से दूर रहे। अगर वो 3 दिनों तक उससे दूरी बनाकर रख सकती है तो उसे उस जैसे एक्सपीरियंस से नहीं गुजरना पड़ेगा और 3 दिनों के बाद उसे अपनी लॉन्ग अवेटेड फ्रीडम मिल जाती है। मेंटली अंजलि ने जल्दी ही चार्ट बनाना शुरू कर दिया। उसे किसी भी कीमत पर अजय से बचने के लिए एक प्लान तैयार करना होगा। उसने अपनी साजिश को मिशन इम्पॉसिबल अवॉइड प्रोटोकॉल नाम दिया। क्योंकि वो प्लानिंग में बिजी थी, अजय खाने की ट्रे के साथ रूम में एंटर हुआ। उसने इसे अंजलि के पास में बेड पर रख दिया। उसके बाद
उसने उस लड़की को देखा जिसकी आंखें बंद थी। धीरे से उसने उसके शोल्डर को छुआ और उसका रिएक्शन रिमार्केबल था। अंजलि जागी, उसकी आंखें खुल गई, उसकी पलकें बिजली की स्पीड से कांप उठी। चौंक कर वो जल्दी से बेड पर बैठ गई। क्या मेरा दिल अभी भी कांप रहा है, अंजलि ने सोचा। फिर उसने सोच में अपना सिर हिला दिया। इसे कहते हैं डर। दूसरी ओर अजय के लिए ये सब सच में एंटरटेनिंग था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी प्यारी वाइफ इतनी क्यूट होगी। उसके बारे में सब कुछ रियली एंटरटेनिंग था। अजय ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। फिर उसने कहा, यहां कुछ खा लो, हम जल्दी ही पोर्ट पर पहुंचेंगे। अंजलि ने ट्रे में इटालियन पास्ता, बॉयल एग और दूध देखा। वो अपने सामने खाने को देखकर लगभग रुक गई। कोइंसिडेंटली उसका पेट भी खाने के लिए कह रहा था। उसने इमीडिएटली प्लेट ले ली और पास्ता खाना शुरू कर दिया। वो खुशी से खाना खाने लगी। उसने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। उसका सारा ध्यान केवल उस खाने पर था जो उसके लिए बहुत टेस्टी था। उसने अजय के खाना पकाने की स्किल की तारीफ की। अजय ने उसकी तरफ प्यार की नजर से देखा। उसका दिल सेटिस्फाइड था। पहली बार उसकी लाइफ में वो खुद को लकी फील कर रहा था। अपनी वाइफ के लिए खाना बनाने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्या हो सकता है? और इसके अलावा वो कितनी खुशी से इसे खा रही थी। वो उसके सिर पर हाथ फेरना चाहता था, लेकिन खुद को कंट्रोल कर लिया। 20 मिनट के अंदर अंजलि ने ट्रे में सब कुछ खत्म कर दिया। सेटिस्फाई होने के बाद उसने अपनी बेली को रब किया। फिर उसने सामने बैठे आदमी को देखा और कहा, थैंक यू। वो नहीं जानती थी कि उसका छोटा थैंक यू अजय को हेवन ले जा सकता है। उसने उसकी बॉडी पर गौर किया। उसे गूज़बम्स आ गए। फाइनली अजय ने ये कहते हुए अपना मुंह खोला, मेरा मानना है कि तुमको अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। हालांकि मुझे इस तरह से तुम्हें घर ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए वो ट्रे के साथ उठा और किचन में चला गया। अंजलि ने खुद को नीचे देखा और हांफने लगी। हालांकि वो अपनी गर्दन नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने अभी भी अपनी बिखरी हुई ड्रेस को देखा, जो उनकी सुबह की एक्टिविटी के कारण लगभग खराब हो गई थी। वो बेड से कूद गई और बाथरूम की ओर भागी। उसने आईना देखा और लगभग फेंट हो गई। उसकी नेक, शोल्डर हिकी से भरे हुए थे। अंजलि लड़खड़ा गई, क्योंकि उसके पैरों पर उसका कंट्रोल लूज हो गया था। वो इमीडिएटली जोर की आवाज के साथ फर्श पर बैठ गई। उसका दिल एक इनक्रेडिबल स्पीड से चलने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना फेस कवर कर लिया। वो उसे गालियां देना चाहती थी, लेकिन जब उसका कोमल चेहरा उसकी आंखों के सामने चमका तो वो ये नहीं कर सकती थी। कुछ और सेकंड अपने दिल को शांत करते हुए वो उठकर क्लोजेट के पास चली गई। फॉर्चुनेटली उसे एक कॉलर वाली ड्रेस मिली और उसने जल्दी से अपनी ड्रेस को चेंज कर दिया। फिर वो लिविंग रूम में चली गई और सोफे पर बैठ गई और रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। जब वो पोर्ट पहुंचे तो आसमान पहले से ही काला था, लेकिन सिर्फ शहर ही था जो जागा हुआ था। आसमान का मैजिस्टिक व्यू चौंकाने वाली सुंदरता के साथ दिखाई दिया। आकाश में सिर्फ तारे थे, एक भी बादल नहीं था। स्ट्रीट की येलो लाइट्स और टावरिंग स्काईस्क्रैपर्स ने पेरिस को सिटी ऑफ गोल्ड बना दिया। अंजलि, जो आमतौर पर शहर की सुंदरता की खुली आंखों से तारीफ करती है,
अनयूजुअल तरीके से देखने पर परेशान नहीं थी। वो चुपचाप अजय के साथ चली गई। हालांकि अजय अपनी जिंदगी में पहली बार अनचीटिंग व्यू से मेस्मराइज्ड हो गया था। उसके लिप्स थोड़े स्ट्रेच्ड थे, जिससे वो एक्स्ट्रा गॉर्जियस हो गया। वे अपनी कार के पार्किंग लॉट पर जय को देखते हैं। बॉडीगार्ड कार के पास खड़े होकर उनका वेट कर रहा था। यंग ड्राइवर विवेक कार के अंदर इंतजार कर रहा था। जय अपनी प्रोफेशनल आंखों से देख सकता था कि उसके सर और मैडम के बारे में कुछ अलग था। वो श्योर नहीं था कि ये क्या था, लेकिन उनके बीच कुछ बदल गया था। इससे पहले उनके बीच एक नॉर्मल कनेक्शन था, हालांकि अभी ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। अंजलि सड़क पर देख रही थी और उसका सिर थोड़ा बेंड था। दूसरी ओर अजय थोड़ा खुश और रिलैक्स दिखा। कल से उन दोनों के रिएक्शन टोटल ऑपोजिट हैं। जय जो मार्शल आर्ट में अच्छा था, लेकिन रोमांस में जीरो एक्सपीरियंस था, उनके बिहेवियर की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सका। जैसे ही अजय और अंजलि करीब आए, जय ने उन दोनों को ग्रीट किया। अजय ने अपने बिहेवियर से अनएक्सपेक्टेडली रिप्लाई दिया, जबकि आमतौर पर चीयरफुल अंजलि ने केवल सिर हिलाया था और उनकी आंखें पहले से ही सड़क को देख रही थी। जय को यह अजीब लगा, क्योंकि उसने एक बार भी उन पर नजर नहीं डाली थी, इसलिए उसे डाउट हो गया कि डेफिनेटली कुछ गड़बड़ थी। विवेक भी वही सोच रहा था जब उसने देखा कि मैडम बहुत शांत थी और उनका चेहरा थोड़ा गुस्से में था। विवेक और जय ने आई कॉन्टैक्ट किया, लेकिन आवाज नहीं की। दूसरी ओर अंजलि ऑकवर्ड फील कर रही थी। कार मॉडरेट स्पीड से चल रही थी और जल्द ही वे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। हालांकि कार के अंदर डिस्कम्फर्ट का मूड था। अजय पिछली सीट पर बैठा हुआ था और उसका एक हाथ उसके पैर पर था, जबकि दूसरा अंजलि के शोल्डर पर था और उसने उसे अपने पास खींच लिया। अंजलि, जो अजय के बहुत पास थी, जम गई। वो ऑलमोस्ट हिलना भूल गई। उसका चेहरा गर्म हो रहा था और उसकी सांसें इररेगुलर हो रही थी। विवेक, जो प्यार में थोड़ा एक्सपीरियंस्ड था, तुरंत ही समझ गया कि उसके साथ क्या गलत था। उसने फील किया कि उसके सर ने मैडम के सामने अपना राक्षसी चेहरा दिखाना शुरू कर दिया, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। उसने उसे थोड़ा दंग कर दिया, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसे जल्दी या बाद में इसकी आदत हो जाएगी। अजय ना केवल उसी तरह सोच रहा था, बल्कि उसने दूसरी पॉसिबिलिटीज के बारे में भी सोचा। वो अंजलि के कॉलेज जाने के बाद उससे हर तरह से दूर रहने के लिए तैयार था, लेकिन अपनी सॉफ्ट पर्सनैलिटी के साथ वह उसे उसकी काइंडनेस के लिए जरूर थैंक यू बोलेगी। वो जानता था कि वो काइंड और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। हालांकि जो चीज उस दिन हुई थी, उसने वो सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अजय हमेशा की तरह जल्दी उठा और रनिंग के लिए वापस आने के बाद उसने कुछ वर्कआउट किया और सीधे नहाने चला गया। उसके बाद उसने अपना ब्रेकफास्ट किया, लिविंग रूम में बैठकर अंजलि के नीचे आने का वेट किया। असिस्टेंट प्रेम को अपने बॉस की बार बार चीजें बदलने की आदत हो गई और इसने दोपहर और शाम के लिए सभी मीटिंग को शेड्यूल कर दिया था। उसने अपना लेसन पहले ही सीख लिया था। वो अपने बॉस को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे रहा था और अजय उन्हें केयरफुली पढ़ रहा था। उसने देखा कि उसका बॉस बार बार दरवाजे पर नजर गड़ाए बैठा था और प्रेम ने ठीक ही समझा कि उसका बॉस क्या सोच रहा है। तभी कुक श्याम ने एक ट्रे के साथ रूम में एंटर किया और अपनी डिलीशियस मसाला चाय उन्हें सर्व की। ये एलिगेंट एरोमा है। उन सभी को इंस्टेंट रिलैक्स फील हुआ। अजय ने अपनी रिस्ट वॉच को देखा और देखा कि पहले से 10:30 बजे थे। आमतौर पर जब अंजलि नशे में नहीं थी तो वो पहले उठती थी,
लेकिन आज वो नीचे नहीं आ रही थी। अजय थोड़ा डर गया। उसने डॉक्यूमेंट्स को देखा और कैजुअली हेड कुक से पूछा, नौकरानियों को अंजलि जिंदल को जगाने के लिए कहो, दोपहर को उसका ब्रेकफास्ट करना उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अजय हमेशा दूसरों के सामने उसके नाम के बाद जिंदल लगाता था। जब वो दोनों साथ होते हैं तो उसे केवल अंजलि कहने की आदत थी, लेकिन जब उसने कल उससे कन्फेस करने की कोशिश की तो उसने उसे अंजलि कहकर ही बुलाया। कुक श्याम ने उन्हें चाय सर्व करते हुए जवाब दिया, जब आप रनिंग के लिए निकले थे तब मैडम बाहर चली गई थी। अजय की आंखें रुक गई और थोड़ी देर के लिए मूव भी नहीं हुई। फिर धीरे से उसने कुक की तरफ देखा और ऑब्जर्व किया कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। कुक श्याम उसके इस तरह से देखने से कंफ्यूज हो गया। अजय ने पूछा, वो बाहर गई है? कुक श्याम ने जवाब दिया, हाँ सर। अजय ने फिर पूछा, क्या उसने ब्रेकफास्ट किया? हेड कुक ने उसे पोलाइटली जवाब दिया, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, मैंने पर्सनली उनके लिए ये अरेंज किया। जब उनसे इसके लिए पूछा, वो लंच भी चाहती थी, इसलिए मैंने उनके लिए एक लार्ज बेंटो बनाया। अजय ने आगे पूछा, क्या वो अकेली थी? श्याम ने पेशेंटली रिप्लाई दिया, नहीं, जय उनके साथ है, वो उस कार को लेकर गए हैं जो आपने उनके लिए अरेंज की थी। अजय ने डॉक्यूमेंट्स को नीचे रखा और कप से सिप लिया। अचानक से रूम का टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया। अजय ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपने चेस पीस को इतनी जल्दी मूव कर देगी। उसका आईक्यू हाई है, लेकिन उसका नेचर काइंड और वार्म था, लेकिन वो अपने ओपोनेंट्स के लिए मर्सीलेस थी। अजय के चेहरे पर एक गहरी स्माइल दिखाई दे रही थी। इस स्माइल को देखते हुए प्रेम को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया। ओह डियर, ये बॉस की सबसे क्रीपीएस्ट स्माइल है, वो अपने एनिमीज के अगेंस्ट कदम उठाने से पहले ऐसे दिखता है। मुझे नहीं पता कि उनके बीच क्या हुआ था, लेकिन मिस अंजलि, मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं। उसने अपने प्योर इंटेंशन से उसके लिए प्रे की। अजय ने सोचा, तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती हो, चलो यही करते हैं। अंजलि सब तरह से स्माइल कर रही थी और अपना ब्रेकफास्ट स्लोली खा रही थी, जबकि जय कार चला रहा था और पेरिस के सारे रिमार्केबल प्लेसेस दिखा रहा था। वो सोच रही थी, अज्जू, क्या तुमने रियल में सोचा था कि सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा? क्या तुम सच में सोचते हो कि जिस तरह से तुम मुझे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हो, तुम्हें मेरा दिल और बॉडी मिल जाएंगे? हम ऐसा क्यों नहीं करते? चलो मैं तुम्हें असली मैं दिखाती हूँ। उसने सबसे मिस्चीवियस स्माइल दी। जय अपना ब्रेकफास्ट करते हुए ड्राइविंग कर रहा था। एक खराब फीलिंग होने की वजह से उसने अपनी बाईं ओर देखा और उसकी डेविल स्माइल को देखा। वो घबरा गया, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और लोवर म्यूजियम की तरफ ड्राइव करने लगा। लोवो म्यूजियम पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम और हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है। अंजलि ने वहां पर देखा कि सैकड़ों हजारों क्लासिक और मॉडर्न मास्टरपीस लोवो म्यूजियम में ह्यूज कलेक्शन का हिस्सा थी। जब अंजलि ने इसे एक दिन पहले देखा था, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली उस रात क्या हुआ था वो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। कल रात उसने अपनी डायरी खोली और एक लिस्ट बनाने लगी। उसके पास अपनी प्रीवियस एक्टिविटीज की कोई भी मेमोरी नहीं थी, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि वो फाइन आर्ट्स की स्टडी कर रही थी। हालांकि जब उसने पेंट करना शुरू किया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसे वेरियस एस्पेक्ट्स का नॉलेज कम है। पहले तो वो सरप्राइज थी, फिर उसे समझ आया कि उसे हार्ड वर्क करने की जरूरत है।
कल उसे असिस्टेंट प्रेम ने एक टैबलेट दी थी। उसने कहा था कि ये अजय का ऑर्डर है, हालांकि ये एक न्यू प्रोडक्ट था। उसने इसे थोड़ा एनिशिएंट पाया। उसने ज्यादा नहीं सोचा और पूरी रात आर्ट्स की स्टडी के लिए इसका यूज किया। अंजलि यूनिवर्सिटी जाने से पहले आर्ट लाइफ का टेस्ट लेना चाहती थी, इसलिए उसने वहां जाने का प्लान किया। अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद उसने अपना मुंह पोछा और बाहर देखकर व्यू को एंजॉय किया। दिन बहुत गर्म था और धूप तेज चमक रही थी। अंजलि को ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और उसने अपनी आंखों को लाइट में एडजस्ट किया। जल्द ही वे वहां पहुंचे, पर यह अब उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था जितना रात में लग रहा था। हालांकि एक पैलेस हमेशा ग्रैंड लगता था। जय ने अपने पासेस दिखाए और एंटर किया। वैसे अंजलि प्रिपेयर्ड थी, फिर भी वो सरप्राइज और मेस्मराइज थी। उसने पूरी तरह से एंजॉय किया और बाद में और भी ऑब्जर्वेशन से उसे सभी फिलोसफिकल मिले। उसे एक इम्पॉर्टेंट बात रियलाइज हुई, अब तक बनाई गई सबसे अच्छी चीज आर्ट लाइफ ही थी। उसने ऑब्जर्व किया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सीखी। उसने सीखा कि आर्ट ही लाइफ थी। लंच टाइम में वे पास के एक पार्क में गए और अपना लंच किया। ये एक पिकनिक जैसा था। जय एक फ्रेंडली पर्सन नहीं था, इसलिए उसने अंजलि को परेशान नहीं किया और अपनी प्रोफेशनल आईज से उस एरिया को ऑब्जर्व करता रहा। पार्क में बहुत से लोग नहीं थे क्योंकि एक वर्किंग डे था। दो या तीन लोग अकेले बैठे और लेटे हुए थे। दो लड़कियां स्टडी कर रही थी। वहां भी एक आर्टिस्ट पेंटिंग कर रहा था। कुछ कपल्स बैठे थे और किस कर रहे थे। ये पेरिस में एक नॉर्मल बात थी और कोई भी माइंड नहीं करता था। लंच के बाद वो घास पर लेट गई और एक घंटे तक स्टडी की। उसके पास में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसकी शैडो ने उसे शांत, बहुत शांत बना दिया। स्टडी के बाद वो बैठ गई और घर जाने के बारे में सोचा। घर के बारे में सोचकर उसने स्माइल की। वो सच में सोचने लगी कि वो मेंशन उसका अपना घर था। हर कोई बहुत ही फ्रेंडली और काइंड हार्टेड था। वो सभी बहुत केयरिंग भी हैं, एक को छोड़कर, जिसने उसकी लाइफ को उल्टा करना शुरू कर दिया था। वो राक्षस था, लेकिन अगर वो घर पर है तो उसे कैसे पता चलता। सडनली उसे दिमाग में एक आइडिया आया। इतने बड़े जिंदल मेंशन में कुछ सिक्योरिटी कैमरे होने चाहिए। अगर उसे सर्विलांस सिस्टम को हैक करने के लिए कुछ ट्रिक्स पता चल जाएं, तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अंजलि ने गूगल से हैक करने का तरीका सर्च करना शुरू किया। उसने कुछ समय के लिए आर्टिकल पढ़ा और वो ये जानकर शॉक रह गई कि हैक करना कितना इजी था। सबसे पहले उसने अपना सेलफोन हैक किया और इसे करने में एक मिनट से भी कम समय लगा। उसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ये पजल सॉल्व करने जैसा ही मजेदार था। फिर उसने हाई लेवल हैकर्स के फंक्शंस को पढ़ा। हैरानी की बात है कि कोड्स फैमिलियर लगे। वो चौंक गई। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक हैकर थी? यही रीजन है कि वो टारगेट थी। ये समझ आता है। उसके होठों पर एक और मिस्चीवियस स्माइल दिखाई दी। अगर मैं सच में इसमें अच्छी थी तो मैं सर्विलांस सिस्टम को इजीली हैक कर सकती हूँ। अंजलि एक घंटे बाद अजय घर में नहीं था, ये जानते हुए घर पहुंच गई। चेंज करने के बाद उसने सबसे पहला काम डॉग हाउस जाने का किया। जब वो उसके पास गई तो ऑस्कर जोर से भौंकने लगा। अंजलि ने अपने हाथों में हॉट पॉट को नीचे रखा और लिड ओपन कर दिया। एक सेकेंड में बीफ स्टेक की स्मेल पूरे एरिया में भर गई। ऑस्कर ने भी भौंकना बंद कर दिया और सस्पिशियसली उसके पास आया। ऑस्कर की बॉडी का कलर ब्लैक, ग्रे और व्हाइट था। ये एक अच्छा और रेयर कॉम्बिनेशन था।
वो दिखने में भी गुड लुकिंग था। उसने स्टेक को धीरे से स्मेल किया। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा और स्टेक चबाने लगा। उसने अपनी पूंछ को लहराया और एक फ्रेंडली टोन में भौंकने लगा। अंजलि चालाकी से मुस्कुराई और सोचा, हनी, मैंने जैसे तुम्हारी फेवरेट डिशेस के बारे में पूछ लिया था, फ्री होकर खाना खाओ। तब अंजलि ने एक ब्यूटीफुल स्नो व्हाइट जर्मन शेफर्ड को डॉग हाउस से बाहर आते देखा। एक स्टाइलिश तरीके से वो उनकी ओर आई और ऑस्कर को पुश किया। ऑस्कर ने कुछ जगह दी ताकि वो भी खा सके। अंजलि उसके जेंटल जेस्चर से हैरान थी। ये उसकी वाइफ लूसी होनी चाहिए। ऑस्कर बहुत केयरिंग हस्बैंड है। लूसी रियली लकी है। अंजलि ने भगवान से प्रार्थना की, प्लीज मुझे भी एक लविंग और केयरिंग हस्बैंड देना। जब उसने उन्हें खाते हुए देखा तो उसने अपनी डायरी निकाली और दो पॉइंट्स पर टिक किया। मॉर्निंग से अवॉइड किया, सर्विलांस सिस्टम हैक किया, ऑस्कर और लूसी की फ्रेंड बन गई। उसने डायरी बंद की और बालकनी की तरफ देखा, जो उसके रूम से अटैच हुई थी। अब नेक्स्ट प्लान के लिए। जब अंजलि अपनी कैलकुलेशन में बिजी थी, अजय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ सेवरल मीटिंग्स में बिजी था। कल उसने सभी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो वाइफ के साथ घूम रहा था। इसलिए कल और आज का सभी वर्कलोड और मीटिंग्स को अजय के लिए बचा लिया गया। मीटिंग फिनिश होने पर 7:30 बजे थे। सभी लोग पूरी तरह से थक चुके थे। हालांकि उनके बॉस ने अपने आप को शांत और अलग देखा। वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। जैसे ही वो मीटिंग रूम से बाहर आए, उन्होंने अजय की कैपेबिलिटी को प्राइज किया। अजय पार्किंग की ओर गया और कार में बैठ गया। कंफर्टेबली बैठकर उसने अपना फोन निकाला। उसने जय का नंबर डायल किया। दूसरी रिंग के बाद जय ने कॉल का जवाब दिया। यस बॉस, एक स्टिफ वॉइस में उसने ग्रीट किया। अजय ने डायरेक्टली पूछा, वो कहाँ है? यंग मिस डाइनिंग हॉल में है, अपना डिनर कर रही हैं। जय ने आंसर दिया। अजय के होठों पर एक छोटी सी स्माइल दिखाई दी। उसने आगे पूछा, उसने आज क्या किया? जय ने उसकी एक्टिविटीज अच्छे से डिस्क्राइब की। सिर्फ एक चीज जो उसने नहीं बताई थी, वो अंजलि के मेंशन की सर्विलांस सिस्टम को हैक करने के बारे में थी, क्योंकि उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसने कहा कि अंजलि उसके टैबलेट के साथ बिजी थी। अजय गुस्सा हो गया। उसने क्वेश्चन किया, वो अपने टैबलेट पर क्या कर रही थी? जय ने जवाब दिया, मैम बहुत अटेंटिवली कुछ पढ़ रही थी और अपनी नोटबुक में कुछ नोट्स लिख रही थी। मैंने देखा कि वो आर्ट से रिलेटेड कुछ लिख रही थी। अजय ने सिर हिलाया। उसने समझा कि क्योंकि वो आर्ट्स की स्टडी करने जा रही थी, इसलिए उसके बारे में पहले से स्टडी करना नॉर्मल था। आफ्टर ऑल वो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट थी। जल्द ही अजय मेंशन पहुंच गया और हेड कुक ने उसे ग्रीट किया। उन्होंने कुक से पूछा, अभी वो क्या कर रही है? एज यूजुअल कुक श्याम ने पोलाइटली जवाब दिया, मैडम अपने रूम में है। अजय ने सिर्फ कहा, फिर वो अपने रूम में आ गया और शावर लिया। उसके बाद उसने अपना डिनर फिनिश किया। बाद में वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा और थर्ड फ्लोर पर नहीं रुका। वो फोर्थ फ्लोर पर अंजलि के रूम के सामने रुक गया। उसे अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो उसने धीरे से नॉक किया। हालांकि किसी ने डोर ओपन नहीं किया। क्या वो सो गई है?
उसने सोचा। फिर उसने डोर के हैंडल को पकड़ा और उसे घुमाया, लेकिन ये हिला नहीं। अजय के लिप्स का कॉर्नर ऊपर की ओर चला गया। तो तुम मुझे इतना अवॉइड करना चाहती हो कि तुमने डोर अंदर से लॉक कर लिया। क्या तुम नहीं जानती कि ये किसका घर है, माय डियर वाइफ? उसने अपना दाहिना हाथ जेब में रखा और एक चाबी निकाली। उसने उसे लॉक में लगाया और घुमा दिया। क्लिक की आवाज थी। स्माइल करते हुए अजय ने फिर से डोर नॉब घुमाया, हालांकि इस बार ये थोड़ा खुला, लेकिन आखिर में वो पूरी तरह से डोर नहीं खोल पा रहा था। उसने कुछ और बार ट्राई किया, लेकिन वो इसे खोल नहीं पाया। पता नहीं क्यों, छोटे से स्पेस से वो देख सकता था कि अंजलि की स्टडी टेबल ने डोर को ओपन करने से ब्लॉक कर रखा था। ये देखकर अजय ने अपनी बैक वॉल पर टच कर दी और बिना आवाज किए हंसने लगा। तो ये तुम्हारा प्लान है? तुम जानती थी कि मेरे पास चाबी है, इसलिए आपने अपनी स्टडी टेबल का यूज करने का डिसाइड किया। ठीक है, फिर मैं तुमको दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। ये सोचकर वो चला गया। मीनवाइल अंजलि अपने हैकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए अपने टैबलेट का यूज कर रही थी। दोपहर में उसने आर्ट्स के बारे में स्टडी किया। हालांकि उसने जय पर नजर रखी। जब उसने देखा कि वो जो कर रही है उसमें उसने इंटरेस्ट खो दिया है, उसने सीखना शुरू कर दिया कि कैसे हैक करना है। उसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। अभी वो इतनी अटेंटिव थी कि उसने ये नहीं सुना कि अजय डोर नॉक कर रहा है। जब उसने डोर खोलने की कोशिश की तो उसने शोर सुना और बेड पर जंप किया और जल्दी से नीचे लेट गई। उसने रजाई से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया। बाद में अंजलि ने फुटस्टेप्स को जाते हुए सुना। उसने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद उसने बालकनी से एक छोटा सा शोर सुना। पहले उसने सोचा कि शायद वो गलत है। उसने इसे फिर से सुना। सस्पिशियसली वो उतर गई और साइलेंटली बालकनी के पास चली गई। जब वो डोर के पास आई तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गई। मिशन इम्पॉसिबल में उसने कई बार देखा है कि ईथन हंट ऊपर चढ़ने के लिए एक हुक का यूज करता है और अपने मिशन को पूरा करता है इंटेलिजेंस और ब्रेवरी के साथ। ठीक उसी तरह उसकी बालकनी में एक हुक लगा था और ये क्लियर था कि कोई उसके कमरे में जाने के लिए चढ़ रहा था। ये थीप नहीं हो सकता, किलर भी नहीं, जिसके पास उसके रूम के अंदर आने के लिए फोर्थ फ्लोर पर चढ़ने के गट्स थे वो कोई और नहीं बल्कि अजय था। अज्जू, तुम? अंजलि ने पूरी तरह से सोचा नहीं था और उसने तुरंत डोर क्लोज कर दिया। उसने इधर उधर देखा और एक वुडन चेयर देखी और उसने बालकनी के डोर के सामने रख दी। फिर वो बेड पर गई, अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लिया और खुद को टाइट हक कर लिया। उसे लगा वो उससे बच नहीं सकती। अजय एक अच्छा एथलीट था, उसने अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में बहुत से प्राइजेस जीते थे, लेकिन लाइफ का गेम नहीं खेला। वो अपनी अर्ली 20s में सीरियस ट्रेनिंग से गुजरा है, इसलिए फ्लोर क्लाइंबिंग उसके लिए कुछ भी नहीं था। इसे वो इजिली अपनी आंखों को बंद करके भी कर सकता था। जब वो इतना स्मार्ट था तो उसे थर्ड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? हार्डली उसे 2 मिनट लगे। 2 मिनट में वो फोर्थ फ्लोर की बालकनी पर था। डोर क्लोज देखकर उसके होंठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वाइफ, आज तुम्हारा कयामत का दिन है,
उसने सोचा, तुमको अपने क्राइम्स के लिए पे करना होगा। उसे पता था कि डोर क्लोज है और उसने उसे ओपन करने के लिए चाबी निकाली। ग्लास के डोर से वो क्लियरली एक वुडन चेयर देख सकता था जो उसके रास्ते को ब्लॉक कर रही थी। ये मूव नहीं होगी और वो एंटर नहीं कर सकता। अपनी डार्क आईज से उसने चारों ओर देखा। ईस्ट में एक विंडो ओपन थी। रूम में एंटर करने के लिए उसे विंडो से जाना पड़ेगा। ये बालकनी से दूर नहीं थी। एक बार फिर उसने ग्लास के डोर से देखा और उसे देखा। फिर वो विंडो के पास गया। विंडो से रूम में एंटर करने में उसे 40 सेकेंड लगे। वाइफ, अब तुम बस प्रार्थना करो। वो धीरे धीरे उसके पास गया, जैसे कि एक शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ रहा हो। यहां तीन तरह के प्यार होते हैं। इसे क्लॉथ की हेल्प से इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। आइए क्लॉथ के तीन कलर्स को लें, ब्लैक, व्हाइट और एश। उन क्लोथ्स को एक ओपन प्लेस पर हैंग कर दें, जहां उन्हें डायरेक्ट सनलाइट मिल सके। जब सन शाइन करता है तो ब्लैक क्लॉथ धीरे धीरे गर्म हो जाते हैं और पूरी तरह से गर्मी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सूरज के जाने के बाद ये स्लोली हीट को रिलीज कर देता है और उसे ठंडा होने में टाइम लगता है। जब व्हाइट क्लोथ की बात आती है तो सनशाइन के अंदर ये जल्दी से गर्म हो जाता है और हीट देगा, इसलिए ये ब्लैक और एश क्लॉथ से कम गर्म होगा। और जब सूरज ढल जाएगा ये जल्दी से अपनी गर्माहट को खो देगा। एश क्लोथ्स के लिए ये सन से नेसेसरी हीट लेगा और इसे अब्सॉर्ब कर लेगा। हालांकि जब सूरज ढल जाएगा तो ये धीरे धीरे अपनी गर्मी खो देगा। प्यार ब्लैक क्लॉथ की तरह होता है, स्टार्ट होता है एक स्लो तरीके से और आखिरकार ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। और बहुत हार्ड होता है किसी को भूलना, साथ ही साथ उसे छोड़ना। व्हाइट क्लॉथ्स की तरह का प्यार एक सेकेंड के भीतर शुरू होता है और प्यार जल्दी बढ़ता है, हालांकि ये उतनी ही तेजी से खत्म होता है। एश क्लॉथ्स जैसा प्यार सेल्फिश होता है, ये दूसरों को प्यार के नाम पर यूज करता है। और जब ये एंड होता है तो ये धीरे धीरे बिना किसी हार्ड फीलिंग्स के साथ रिलेशन को तोड़ देता है। अंजलि के लिए अजय का प्यार मतलब ब्लैक क्लॉथ की तरह था। उसने कई पागल लड़कियों को देखा था जो उसकी पावर और मनी के लिए अपनी बॉडी को सेल करती थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उसके पास्ट एक्सपीरियंस ने उसे लड़कियों से केयरफुल कर दिया था। बेकिन जर्मनी, ये पहली नजर का प्यार नहीं था। जब उसने पहली बार गेम्स के फंक्शन के बारे में सुना तो वो क्यूरियस हो गया और उसे ऑब्जर्व किया। वो एक इंटेलिजेंट और ब्रेव यंग लेडी थी। जब वो जजेस के क्वेश्चन का आंसर बिना नर्वस हुए दे रही थी, ये रियलिटी की एक स्ट्रॉन्ग सेंस थी और वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू उसने क्लियर कर दिया कि ये एक फैंटेसी नहीं थी, ये सिर्फ एक गेम था, एक इंसान को रियल वर्ल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये मेंटली वीक लोगों के बेटरमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने का गेम था। वो खेल के आइडिया से हैरान था। वो एक अच्छी लीडर थी और एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी। अपनी लाइफ में पहली बार वो एक लड़की में इंटरेस्ट ले रहा था। उसने अपने असिस्टेंट प्रेम को उस पर नजर रखने के लिए भेजा। वो यूनिक थी, उसने हर एक से बात की। अगर कोई उसे बुली करता था तो वो प्लान करके उन्हें विक्टिम बनाती थी। उसका दिल प्योर था, हालांकि वो शरारती भी थी। एक बार उसने एक ओल्ड मैन की हेल्प की
जो असल में उसके दादा थे। उसी वक्त उसने एक पुलिस वाले के सामने एक वर्किंग क्लास आदमी को मारा क्योंकि वो एक स्कूल गर्ल को सेक्सुअली हरास कर रहा था। यहां तक कि अजय भी नहीं बता सका कि वो एक्चुअली उससे कब प्यार करने लगा, लेकिन जब उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ तो उसे जाने देना बहुत मुश्किल हो गया। भले ही उसे पता था कि अंजलि का दिल असल में कहां है, हालांकि वो सडनली उसकी लाइफ में आ गई बिना किसी मेमोरी के। इस बार वो उसे छोड़ नहीं सका। वो जानता था कि ये सही नहीं है, लेकिन उसके 3 साल के प्यार के कारण वो अचानक सब कुछ तोड़ देना चाहता था। हालांकि वो लड़की जिसके लिए वो इतने महीनों से तरस रहा था एक्चुअली उसे अवॉइड कर रही थी, और ये अनफॉर्गिवेबल था। वो अच्छी तरह से समझ गया कि ये उसकी फॉल्ट थी, लेकिन वो इसे एडमिट नहीं करना चाहता था। वो और भी ज्यादा चाइल्डिश हो गया, जैसे एक बच्चा खिलौना चाहता हो। वो धीरे से बेड की तरफ मूव हुआ। सडनली वो रुक गया। उसने डोर की तरफ देखा और स्टडी टेबल मिली। वो वहां चला गया और इसे अपने ओरिजिनल प्लेस पर रख दिया। उसके बाद उसने चेयर को मूव कर दिया और बालकनी का डोर खोल दिया। डोर खुलने से शांत हवा आ गई। उसने उसके दिल को शांत कर दिया। उसने आसमान की ओर देखा। आज फुल मून था। चांद अपनी रोशनी पूरे दिल से शेयर कर रहा था। यहां तक कि रूम भी ब्यूटीफुल सिल्वर लाइट से भरा हुआ था, जिससे ये और मैजिकल और रोमांटिक हो गया। अंजलि लकड़ी की तरह ठंडी होकर लेटी थी। उसने ऐसी एक्टिंग की जैसे वो सो रही हो। वो डेफिनेटली उसे पता नहीं चलने दे रही थी कि वो जाग रही है। जब उसने टेबल और चेयर हिलते हुए सुना तो वो एडमिट नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने गिल्टी फील किया। अजय थोड़ी देर के लिए बेड के पास खड़ा था, जैसे वो कुछ सोच रहा था। उसके एक्शन अंजलि को और भी ज्यादा नर्वस कर रहे थे। फिर उसने अपनी स्लीपर्स उतार दी और बेड पर जाकर उसके पास ही लेट गया। अंजलि बता नहीं पा रही थी कि वो क्या फील कर रही है, लेकिन उसका दिल ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया। सडनली रूम में साइलेंस छा गया। ऐसा लगा जैसे आज रात बर्ड्स भी गाना भूल गए हों। अंजलि ने अपनी सांस रोक रखी थी। दूसरी ओर वो अजय की सांस भी नहीं सुन सकती थी। अजय सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। उसे अच्छे से पता था कि वो जाग रही है। वो केवल उसके एक्सप्रेशन को देखने की कोशिश कर रहा था। वो एक्चुअली में लेटा नहीं था, वो उसे फेस कर रहा था। और उसका एक हाथ बेड पर था जबकि दूसरा उसके सिर को बैलेंस कर रहा था। उसके होंठों पर एक स्वीट सी स्माइल थी। कुछ देर तक उस पर कोई रिएक्शन ना देख पाने के बाद उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। क्या एक्टिंग स्किल है, उसने हैरानी में सोचा। कौन सी ह्यूमन बॉडी सोते समय टेंस रहती है, वो किसे बेवकूफ बना रही है। अचानक उसने रजाई को पकड़ लिया और उसे अनकवर किया। फिर भी अंजलि नहीं हिली। उसका फेस पिलो के सामने था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को आज अजय को नहीं दिखाने का प्रॉमिस किया था। अजय ने कुछ नहीं कहा। उसने उसे ऑब्जर्व किया। उसने बेबी पिंक प्योर सिल्क का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसकी पतली नेक कॉलर बोन उसके सामने अनकवर थे। इसके अलावा उसने लाल हिकी को देखा। वे अभी भी विजिबल थे। उसकी ओशियन ब्लू आंखें काली हो गईं।